सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Xiaomi 11i डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक ब्रांड न्यू अपडेट है, वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि है MIUI 13 बेस्ड एंड्रॉइड 12 अपडेट। तो इस अपडेट के अंदर आप लोगों को फीचर है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, चेंजेस हैं वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को आपको यहाँ पर पूरा देखते रहना है और अपडेट के अंदर कुछ यहाँ पर बग्स भी हो सकते हैं, सो उनके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है, सो अभी वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। और वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 300 लाइक का। सो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी इसी तरीके का यहाँ पर अपडेट आएगा तो भी आप लोगों को यहाँ पर फीचर के रिगार्डिंग जो वीडियो है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। गाइज बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख तो पहले मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर कर दी थी सहेज सेन अपडेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जैसे इसको ओपन करोगे आप लोगों को यहाँ पर शो होगा MIUI 13.0.1.0 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया है Xiaomi 11i डिवाइस के लिए। और IN मतलब कि इंडिया के लिए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। और 3.1 GB की आप लोगों को यहाँ पर अपडेट की टोटल साइज है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो काफी बड़ी साइज का अपडेट है ना वो रिलीज किया गया है इस डिवाइस के लिए। और मैं आप लोगों से बात करूं फर्स्ट चेंज के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख तो इस अपडेट के अंदर आप लोगों को सबसे पहला और सबसे बड़ा एक चेंज है ना वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जून का लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट आप लोग इसको कह सकते हो। वैसे जुलाई का मंथ यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जून का मंथ है वो यहाँ पर किया गया है, जून का सिक्योरिटी पेच अपडेट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ना ही तो ये ज्यादा पुराना है और ना ही आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर नया है ना वो देखने को मिलता है। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर कुछ फीचर है ना वो भी देखने को मिलते हैं, तो इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चेंज है ना गाइज वो आपको ये देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर का। कंट्रोल सेंटर है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। अब अगर आपकी डिवाइस के अंदर पुराना वाला कंट्रोल सेंटर है ना वो यहाँ पर शो हो रहा है, सो इसका एक ट्रिक का कैसे आप लोग यहाँ पर MIUI 13 और Android 12 का कंट्रोल सेंटर है उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उसको ओपन करना होगा और यहाँ की तरफ आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है सहेज सेन अपडेट, तो आपको मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको 3-4 एप्लीकेशन है ना वो यहाँ पर शो होगी। फर्स्ट तो है सिस्टम UI प्लगइन, तो इसको आप लोगों को अपने डिवाइस के अंदर अपडेट कर लेना है, मैंने पहले से यहाँ पर करके रखा है। और दूसरा आप लोगों को मिलेगा कास्ट एप्लीकेशन, तो कास्ट को भी आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर लेना है, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो ये MIUI का जो विजेट है ना वो आपका कंट्रोल सेंटर है इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को नया वाला कंट्रोल सेंटर है वहां पर अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप लोग इसको सेट कर सकते हो। फोन यहां पर काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा अगर आपको ये वाला कंट्रोल सेंटर है ना वो यहां पर पसंद है। वही मैं आप लोगों से बात करूं सेकंड चेंज के बारे में जो कि इस अपडेट के अंदर किया गया है, तो सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में स्पेशल फीचर का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइड बार, जो कि आप लोग एज ए फ्लोटिंग विंडो है ना उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। वैसे ये तीनों ऑप्शन है ना वो आपको ऑफ देखने को मिल सकते हैं, तो इन तीनों को आप लोगों को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा यहाँ पर एक ये जो लाइन है ना वो जनरेट हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्वाइप करना है। तो गाइज आप लोग देख तो बहुत सारी एप्लीकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने ये वाला पेज है इसको भी ऑन करके रखना है और दूसरी विंडो है ना उसको भी यहाँ पर यूज करना है, तो टेलीग्राम को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख तो टेलीग्राम है ना वो यहाँ पर एज ए फ्लोटिंग विंडो की तरह शो हो चुका है और इसको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से क्लोज भी कर सकते हो। जैसे मान लो प्ले स्टोर है उसको आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो और साथ ही में आप लोगों को कुछ और भी काम करना है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर नया एप्लीकेशन है उसको आप लोग ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैप्स है इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है एज ए फ्लोटिंग विंडो। सो ये आप लोगों को यहाँ पर मेन फीचर देखने को मिलता है। अगर आप लोग नीचे की तरफ यहाँ पर स्वाइप करोगे
तो ये फुल स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो एक मेन फीचर है ना वो देखने को मिलता है इसी नए अपडेट के अंदर। बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को ऑल और कैमरा का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पर शो होता है। तो क्या होगा, ऑल के अंदर तो आपकी जितनी भी जो यहाँ पर फोटोज है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जो कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से आप लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड की होगी। अगर आप लोगों को यहाँ पर कैमरे पे प्रेस कर दोगे तो कैमरे से जो फोटो है ना वहां पर क्लिक की गई होगी वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि एक बार मैं यहाँ पर कैमरे एप्लीकेशन से एक फोटो है ना उसको क्लिक कर लेता हूँ। सो क्लिक करने के बाद में आपको गैलरी एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो आप लोग देख सकते हो पहले एक भी फोटो इस फोन से यहाँ पर क्लिक नहीं की गई थी, लेकिन जैसे आप लोग क्लिक कर लोगे वो आपको कैमरे के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो एल्बम के अंदर तो आप लोग को यहाँ पर शो होगा ट्रेस बिन, ट्रेस और क्लीनर के तीन नए ऑप्शन। तो क्लीनर के अंदर तो आप लोग को यहाँ पर क्लीनर देखने को मिलेगा, जहां पर इसकी एनिमेशन है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। ट्रेस का आपको ऑप्शन मिलेगा और ट्रेस पिन का एज ए जो आप लोगों ने यहाँ पर फोटोज या वीडियोज डिलीट की होगी वो आप लोगों को डायरेक्टली यहीं पर देखने को मिलेगी। और मान लो आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी फोटो है उसको यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कि ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है, चलो दूसरी कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और थ्री डॉट पे आप लोगों को प्रेस करना है, जाना है प्रोटेक्टिव वॉटर मार्क पे, और यहां पर जैसे कि मैंने सर्च कर दिया है सहेज सेन, तो क्या होगा वॉटर मार्क है ना वहां पर जनरेट हो जाएगा पूरी फोटो के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो ओरिजिनल फोटो है वो तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी ही, आप लोग देख सकते हो, और ऊपर की तरफ आप लोगों को ये वाली एक यहां पर जो दूसरी यहां पर जो फोटो है ना वो शो हो जाएगी, जहां पर आपको कुछ इस तरीके के टेक्स्ट है ना वो यहां पर शो होंगे। तो इससे क्या होगा, कोई आपका जो डॉक्यूमेंट या फिर फोटो है ना उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर अपना जो नेम है ना उसको यहां पर एज ए वॉटर मार्क की तरह यूज कर लिया है फोटो के ऊपर। तो ये वाला आप लोगों को सिक्योरिटी के हिसाब से फीचर है ना वहां पर कैसा लगा, अगर ये फीचर अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक यहां पर कर सकते हो। और गाइस फोन है ना वो यहां पर काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो एप ड्रॉवर है वो यहां पर काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है, इसके अंदर आपको यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम है ना वो यहां पर शो नहीं होगी। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं यहां पर इसी तरीके से और भी फीचर है ना वो आप लोगों को यहां पर बताऊं, तो आप लोग मेरी वेट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी वीडियो आपको यहां पर मिलेगी जिसके अंदर मैं आपको और एडवांस फीचर है ना उनके बारे में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल है इसको यहां पर ज्वाइन कर लेना है, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले देखने को मिल जाए। और अगर आप लोगों को यहां पर कुछ इस तरीके से HD क्वालिटी के जो वॉलपेपर है ना वहां पर पसंद है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोगों को यहां पर सहेज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं लेकिन आप लोग यहां पर डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च कर सकते हो, और इस तरीके से iOS के जो वॉलपेपर है ना उनको यहां पर डाउनलोड करके सेट कर सकते हो। यहां पर आप लोगों को सर्च करना है सहेज वॉलपेपर। तो मैं मिलता आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।